इंस्टीट्यूशंस को एक के बाद एक ध्वस्त किया जा रहा है और इनकी रक्षा करने का भी काम सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका दायित्व है कि संविधान का रक्षा करें, मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इनकी रक्षा करें। और साथ में हम देख रहे हैं कि देखिए हमारे लोकतंत्र में आज भी पैसे का बोलबाला है, क्यों ये समझना बहुत जरूरी है, ये यंग लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए अन्ना हजारे कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र में आज पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इसका दौर चल रहा है, विशद सर्किल है। अब पैसे से आप सत्ता में कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मॉडल है उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट दो लेवल्स पर है। पहले तो जब हम अपना कैंडिडेट या अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो इलेक्ट हो जाता है, चाहे बाकी लोगों को उससे तीन गुनी वोट भी मिली हो। मान लीजिए जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 25% मिली और बाकी पांच कैंडिडेट हैं किसी को 20%, किसी को 15%, किसी को 15% मिली, कुल मिलाकर बाकी सब लोगों को 75% वोट मिली है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव बस ये बन गया एक आदमी जिसको 25% वोट मिली। अब ऐसे सिस्टम में दूसरा फर्स्ट पास द पोस्ट है जब आप सरकार बनाते हैं, सरकार उसी पार्टी की या उसी कोएलिशन की बनती है जिसके पास मेजोरिटी है, बाकी जो ऑपोजिशन है चाहे उसके पास 49% सीट्स हो उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता। तो जब आप वोट देने जाते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं देखते कि भाई कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, कौन सी सबसे अच्छी पार्टी है, आप ये भी देखते हैं कि उस कैंडिडेट का कोई चांस है जीतने का, उस पार्टी का कोई चांस है सत्ता में आने का। और अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट का कोई चांस नहीं है, उसकी पार्टी का कोई चांस नहीं है सत्ता में आने का, तब चाहे आपको वो सबसे ज्यादा पसंद भी हो तो आप उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप अपनी वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। तब आप ये देखते हैं कि जो जिन लोगों का कुछ चांस है उनमें से कम खराब कौन है। अब वो वहां आपको दिखते हैं कि भाई वहां कौन दिखता है जिनका चांस है, कैसे आप देखते हैं किसका चांस है, वो तो इसी पर आप भांपते हैं कि किसकी कितनी विजिबिलिटी है। जिस कैंडिडेट या पार्टी की खूब विजिबिलिटी हो तो आपको लगता है कि भाई ये तो सत्ता की दौड़ में जरूर है, ये तो जीत सकता है, सारी जगह का पोस्टर लगे हुए हैं, हर रोज इश्तेहार निकल रहा है, रेडियो टेलीविजन वगैरह पर रोज उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उसकी रैली में देखिए इतनी बड़ी रैली हो गई, 50,000 लोग आ गए, सारे मीडिया वालों ने दिखा दिया, या 5,00,000 लोग आ गए। अब रैली कैसे होती है, सारे एडवर्टाइजमेंट पैसे के आधार पर, होर्डिंग्स पैसे के आधार पर, वर्कर्स भी आपके पेड वर्कर्स होते हैं जो आपका बैनर लेकर इधर उधर घूमते हैं विजिबिलिटी करने के लिए, और रैली में भी लोग आज भाड़े पर बुलाए जाते हैं, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि तुम 5,000 लोगों को लेकर आ जाओ, 1,000 रुपए पर पर्सन तुमको देंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है देखिए मैं 100 बसेस लेकर आ जाऊंगा, 100-100 लोग होंगे, वो कहता है हाँ ठीक है जी आपको 1,000 रुपए इतने आदमी लाओगे, 5,000 लाओगे तो 50,00,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, आपने रैली कर ली 1,00,000 लोगों की और लोगों को लगने लगा अरे इसकी तो रैली में तो बड़े लोग आ गए जरूर जीतने वाला होगा। तो इसलिए आप जब ये असेस करते हैं कि किसका चांस है जीतने का तो विजिबिलिटी के आधार पर असेस करते हैं, और इस वजह से जिनके पास खूब पैसा होता है वो फिर सत्ता में आ जाते हैं, और फिर सत्ता में आने के बाद उस सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा बनाते हैं। तो यही दौर हमारे उसमें चल रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी था
कि पैसे की अहमियत कम करी जाए चुनाव। अब कैसे करी जाए? तो पहले तो एक कानून बनाया गया कि हर किसी भी इलेक्शन में इतना लिमिट होगी स्पेंडिंग की, 25 लाख 30 लाख, अब तो ऐसे ही कुछ हो गई 30-40 लाख। पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में कुछ कम है, लेकिन पार्टी के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं लगाई गई। आज भाजपा के पास अनलिमिटेड पैसा है। एक रफेल डील में ही आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ दिलवा दिए। उसकी फोकट कंपनी मतलब बिल्कुल बैंकरप्ट, सारी कंपनियां बैंकरप्ट हैं। 10 दिन की कंपनी उसने बनाई, रजिस्टर करी, 10 दिन के बाद उसने उसको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो 30,000 करोड़ में से आपको कितना देगा? 2-4 हज़ार करोड़ दे ही सकता है। तो देयरफॉर कितना भी पैसा आपके पास आ जाएगा, और पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं, कितना भी खर्च करो कोई लिमिट नहीं लगाएगी। और कैंडिडेट भी कैश में खर्च करते हैं, मतलब लोग सब जानते हैं कि लिमिट तो 40 लाख होगी, लेकिन लोग खर्च कर रहे हैं 10-10 करोड़, क्योंकि उसका वो हिसाब नहीं देते, कैश में खर्च करते हैं, ब्लैक मनी लगाते हैं। हम लोगों ने ये बोला कि आप पूरे किसानों से कह रहे हैं, आम जनता से कह रहे हैं कि कैशलेस हो जाओ, आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, और आपने बोला कि भाई सब लोग कैशलेस हो जाओ, सब बैंक से ही ट्रांजैक्शन करो, कैश की क्या जरूरत है, जब जिन दिनों कैश नहीं मिल रहा था बैंकों में। तो मोदी जी ने बोला था ना कि भाई कैशलेस हो जाओ, बैंक से ही करो। तो हम लोगों ने बोला कि आप आम आदमी को कह रहे हैं जिसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कि तुम लोग कैशलेस हो जाओ, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट से क्यों नहीं कहते कि तुम लोग कैशलेस हो जाओ। यानी आप एक सिंपल सा कानून बना दीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट कैश में ना तो पैसा ले सकता है ना खर्च कर सकता है, सब कुछ बैंक से ही होगा। और अगर किसी ने किया और एक बार भी पकड़ गया कि उसने 100 रुपए भी कैश से खर्च कर दिए, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो तब आप रोक सकते हैं ये जो लोग इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पर ये तो कोई बनाना नहीं चाहता। दूसरा हम लोग ने यह बोला कि देखिए, आज तो जो गरीब आदमी है, जो छोटा कैंडिडेट है या छोटी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके पास तो पैसा होता नहीं, तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक कैंडिडेट को आप 10-10 लाख रुपए दे दें। इसका यह मतलब है कि कैंडिडेट को जितने वोट मिले, यानी कि अगर किसी को 1 लाख वोट मिलते हैं, तब आप उसको 10-20 रुपए पर वोट दे दीजिए, जिससे कि जो पैसा उसने खर्च किया, अगर लोन लेकर वो पैसा खर्च करता है अपने इलेक्शन में, तो उसको वो पैसा कम से कम वापस मिल जाए सरकार से। तब फिर कम से कम जो पुअर कैंडिडेट्स हैं, जिनका कुछ जन आधार है, उनके पास भी थोड़ा पैसा आ जाएगा इलेक्शन में खर्च करने के लिए, और थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। ये सब भी नहीं करते, और उल्टे 3 इन्होंने ऐसे अमेंडमेंट्स कर दिए, पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पता है कि नहीं, पिछले 1.5 साल में 3 ऐसे खतरनाक अमेंडमेंट कर दिए पॉलिटिकल फंडिंग के, जो कि बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। बजाय कि आप पैसे की अहमियत कम करें, आप पैसे की अहमियत बढ़ा रहे हैं। पहला तो जब हम लोगों ने केस किया हाईकोर्ट में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ कि इन लोगों ने फॉरेन फंडिंग ली है, आजकल छोटे छोटे एनजीओ, मल्लिका जी का एनजीओ है, दुनिया भर के छोटे छोटे एनजीओ हैं जो डेवलपमेंट का काम, कल्चरल काम करते हैं, उनके ऊपर तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का खूब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए, कईयों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तीसरा सिद्धलवाद वगैरह को, कि आपने फॉरेन पैसा ले लिया। लेकिन मेन मकसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का था
कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक सर्वेंट्स और कैंडिडेट्स फॉरेन पैसा ना ले पाए ताकि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। ये मेन मकसद था कि हमारी डेमोक्रेसी शुड नॉट बी हॉस्टेज टू फॉरेन पीपल एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। अब हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने करोड़ों रुपए फॉरेन कंपनियों से किए हुए थे, हमने केस फाइल किया, ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे थे, पहले तो कंप्लेंट करी, सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई सरकार नहीं करती, ना कांग्रेस की ना भाजपा की। हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया तो हाईकोर्ट ने बोला कि बिल्कुल साफ है कि इन्होंने फॉरेन पैसे लिए हैं, कानून का उल्लंघन किया है, इनका प्रोसिक्यूशन किया जाए, कांग्रेस और भाजपा दोनों का। अब प्रोसिक्यूशन करने के बजाय इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, वो डिसमिस हो गई, उसके बाद इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून ही बदल दिया। अब कानून में ये कर दिया कि कोई अगर फॉरेन कंपनी के सब्सिडियरी जो हिंदुस्तान में काम कर रही है उससे अगर कोई पैसा लेता है उसको फॉरेन मनी नहीं माना जाएगा, फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा। यानी कि आज ये रफेल कंपनी जिसको आपने 60,000 करोड़ के 36 हवाई जहाज खरीद लिए, पहले जो यूपीए सरकार में जो डील हो गई थी करीब करीब कंप्लीट हो गया, तो वहां से उसको हटाया गया, फिर जो मौजूदा डायरेक्टर है उनको बनाया गया। तो इनको स्पेशल डायरेक्टर के लिए मीटिंग बुलाई, डायरेक्टर ने बकायदा हाथ से 2 पेज का नोट लिख कर दिया कि भाई इस आदमी का तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई खुद कर रही है, 20,000 करोड़ के मनी लॉन्डरिंग केस में जो स्टर्लिंग बायोटेक एक कंपनी है उसका केस है, उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई खुद कर रही है और इसमें इस आदमी का इन्वॉल्वमेंट निकला है, 4 करोड़ रुपए इसको मिले हैं उस कंपनी से, इसलिए इसको स्पेशल डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, फिर भी उसको बना दिया। यही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जैसे मैंने बोला कि इन लोगों को पहले आपने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स बना दिया, फिर उनकी मदद लेकर सीबीआई में एक के बाद एक भ्रष्ट अफसरों की नियुक्ति करी जा रही है। तो सारे इंस्टीट्यूशंस को एक के बाद एक ध्वस्त किया जा रहा है और इनकी रक्षा करने का भी काम सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका दायित्व है कि संविधान का रक्षा करें, मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इनकी रक्षा करें। और साथ में हम देख रहे हैं कि देखिए हमारे लोकतंत्र में आज भी पैसे का बोलबाला है, क्यों ये समझना बहुत जरूरी है, ये यंग लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए अन्ना हजारे कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र में आज पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इसका दौर चल रहा है, विशेष सर्किल में। अब पैसे से आप सत्ता में कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मॉडल है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट 2 लेवल्स पर है। पहले तो जब हम अपना कैंडिडेट या अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो इलेक्ट हो जाता है, चाहे बाकी लोगों को उससे 3 गुनी वोट भी मिली हो, मान लीजिए जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 25% मिली और बाकी 5 कैंडिडेट्स हैं किसी को 20%, किसी को 15%, किसी को 15% मिली, कुल मिलाकर बाकी सब लोगों को 75% वोट मिली है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ये बन गया एक आदमी जिसको 25% वोट मिली। अब ऐसे सिस्टम में दूसरा फर्स्ट पास सपोज है जब आप सरकार बनाते हैं, सरकार उसी पार्टी की या उसी कोएलिशन की बनती है जिसके पास मेजोरिटी है, बाकी जो ऑपोजिशन है चाहे उसके पास 49% सीट्स हो उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता। तो जब आप वोट देने जाते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं देखते कि भाई कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, कौन सी सबसे अच्छी पार्टी है, आप ये भी देखते हैं
कि उस कैंडिडेट का कोई चांस है जीतने का, उस पार्टी का कोई चांस है सत्ता में आने का। और अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट का कोई चांस नहीं है, उसकी पार्टी का कोई चांस नहीं है सत्ता में आने का, तब चाहे आपको वो सबसे ज्यादा पसंद भी हो तो आप उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप अपनी वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। तब आप ये देखते हैं कि जो जिन लोगों का कुछ चांस है उनमें से कम खराब कौन है। अब वो वहां आपको दिखते हैं कि भाई वहां कौन दिखता है जिनका चांस है, कैसे आप देखते हैं किसका चांस है, वो तो इसी पर आप भांपते हैं कि किसकी कितनी विजिबिलिटी है। जिस कैंडिडेट या पार्टी की खूब विजिबिलिटी हो, तो आपको लगता है कि भाई ये तो सत्ता के दौड़ में जरूर है, ये तो जीतने जीत सकता है, सारी जगह उसका पोस्टर लगे हुए हैं, हर रोज इश्तेहार निकल रहा है, रेडियो टेलीविजन वगैरह पर रोज उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उसकी रैली में देखिए इतनी बड़ी रैली हो गई, 50,000 लोग आ गए, सारे मीडिया वालों ने दिखा दिया, या 5,00,000 लोग आ गए। अब रैली कैसे होती है, सारे एडवर्टाइजमेंट्स पैसे के आधार पर, होर्डिंग्स पैसे के आधार पर, वर्कर्स भी आपके पेड वर्कर्स होते हैं जो आपका बैनर लेकर इधर उधर घूमते हैं विजिबिलिटी करने के लिए, और रैली में भी लोग आज भाड़े पर बुलाए जाते हैं, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि तुम 5,000 लोगों को लेकर आ जाओ, 1,000 रुपए पर पर्सन तुमको देंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहता है देखिए मैं 100 बसेस लेकर आ जाऊंगा, 100-100 लोग होंगे, वो कहता हाँ ठीक है जी, आपको 1,000 रुपए इतने आदमी लाओगे, 5,000 लाओगे तो 50,00,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। आपने रैली कर ली 1,00,000 लोगों की और लोगों को लगने लगा अरे इसकी तो रैली में तो बड़े लोग आ गए, जरूर जीतने वाला होगा। तो इसलिए आप जब ये असेस करते हैं कि किसका चांस है जीतने का, तो विजिबिलिटी के आधार पर असेस करते हैं। और इस वजह से जिनके पास खूब पैसा होता है वो फिर सत्ता में आ जाते हैं, और फिर सत्ता में आने के बाद उस सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा बनाते हैं। तो यही दौर हमारे उसमें चल रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि पैसे की अहमियत कम करी जाए चुनाव। अब कैसे करी जाए, तो पहले तो एक कानून बनाया गया कि हर किसी भी इलेक्शन में इतना लिमिट होगी स्पेंडिंग की, 25,00,000 30,00,000, अब तो ऐसे ही कुछ हो गई 30-40,00,000 पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में कुछ कम है, लेकिन पार्टी के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं लगाई गई। आज भाजपा के पास अनलिमिटेड पैसा है, एक रफेल डील में ही आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ दिलवा दिए, उसकी फोकट कंपनी मतलब बिल्कुल बैंकरप्ट, सारी कंपनियां बैंकरप्ट हैं। 10 दिन की कंपनी उसने बनाई, रजिस्टर करी, 10 दिन के बाद उसने उसको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो 30,000 करोड़ में से आपको कितना देगा, 2-4,000 करोड़ तो दे ही सकता है। तो देयरफॉर कितना भी पैसा आपके पास आ जाएगा, और पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं, कितना भी खर्च करो कोई लिमिट नहीं लगाएगी, और कैंडिडेट भी कैश में खर्च करते हैं, मतलब लोग सब जानते हैं कि लिमिट तो 40,00,000 होगी, लेकिन लोग खर्च कर रहे हैं 10-10 करोड़, क्योंकि उसका वो हिसाब नहीं देते, कैश में खर्च करते हैं, ब्लैक मनी लगाते हैं। हम लोगों ने ये बोला कि आप पूरे किसानों से कह रहे हैं, आम जनता से कह रहे हैं कि कैशलेस हो जाओ, आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, और आपने बोला कि भाई सब लोग कैशलेस हो जाओ, सब बैंक से ही ट्रांजैक्शन करो, कैश की क्या जरूरत है, जब जिन दिनों कैश नहीं मिल रहा था बैंकों में, तो मोदी जी ने बोला था ना कि भाई कैशलेस हो जाओ बैंक से ही करो। तो हम लोगों ने बोला कि आप आम आदमी को कह रहे हैं जिसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कि तुम लोग कैशलेस हो जाओ, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट से क्यों नहीं कहते कि तुम लोग कैशलेस हो जाओ। यानी आप एक सिंपल सा कानून बना दीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट कैश में ना तो
पैसा ले सकता है ना खर्च कर सकता है, सब कुछ बैंक से ही होगा। और अगर किसी ने किया और एक बार भी पकड़ गया कि उसने 100 रुपए भी कैश से खर्च कर दिए, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो तब आप रोक सकते हैं ये जो लोग इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पर ये तो कोई बनाना नहीं चाहता। दूसरा हम लोग ने ये बोला कि देखिए, आज तो जो गरीब आदमी है, जो छोटा कैंडिडेट है या छोटी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके पास कोई पैसा होता नहीं, तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक कैंडिडेट को आप 10-10 लाख रुपए दे दें। इसका ये मतलब है कि कैंडिडेट को जितने वोट मिले, यानी कि अगर किसी को 1 लाख वोट मिलते हैं, तब आप उसको 10-20 रुपए पर वोट दे दीजिए, जिससे कि जो पैसा उसने खर्च किया, अगर लोन लेकर वो पैसा खर्च करता है अपने इलेक्शन में, तो उसको वो पैसा कम से कम वापस मिल जाए सरकार से। तब फिर कम से कम जो पुअर कैंडिडेट्स हैं, जिनका कुछ जन आधार है, उनके पास भी थोड़ा पैसा आ जाएगा इलेक्शन में खर्च करने के लिए, और थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। ये सब भी नहीं करते, और उल्टे 3 इन्होंने ऐसे अमेंडमेंट्स कर दिए, पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पता है कि नहीं, पिछले 1.5 साल में 3 ऐसे खतरनाक अमेंडमेंट कर दिए पॉलिटिकल फंडिंग के, जो कि बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। बजाय कि आप पैसे की अहमियत कम करें, या पैसे की अहमियत बढ़ा रहे हैं। पहला तो जब हम लोगों ने केस किया हाईकोर्ट में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ कि इन लोगों ने फॉरेन फंडिंग ली है, आजकल छोटे छोटे एनजीओ, मल्लिका जी का एनजीओ है, दुनिया भर के छोटे छोटे एनजीओ हैं जो डेवलपमेंट का काम, कल्चरल काम करते हैं, उनके ऊपर तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का खूब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए, कईयों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तीसरा सेंट्रल वार्ड वगैरह को, कि आपने फॉरेन पैसा ले लिया। लेकिन मेन मकसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का था कि पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक सर्वेंट्स और कैंडिडेट्स फॉरेन पैसा ना ले पाए, ताकि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। ये मेन मकसद था कि हमारी डेमोक्रेसी शुड नॉट बी हॉस्टेज टू फॉरेन पीपल एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। अब हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने करोड़ों रुपए फॉरेन कंपनियों से किए हुए थे, हमने केस फाइल किया, ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे थे, पहले तो कंप्लेंट करी, सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई सरकार नहीं करती, ना कांग्रेस की ना भाजपा की। हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया, तो हाईकोर्ट ने बोला कि बिल्कुल साफ है कि इन्होंने फॉरेन पैसे लिए हैं, कानून का उल्लंघन किया है, इनका प्रोसिक्यूशन किया जाए, कांग्रेस और भाजपा दोनों का। अब प्रोसिक्यूशन करने के बजाय इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, वो डिसमिस हो गई, उसके बाद इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून ही बदल दिया। अब कानून में ये कर दिया कि कोई अगर फॉरेन कंपनी के सब्सिडियरी जो हिंदुस्तान में काम कर रही है, उससे अगर कोई पैसा लेता है, उसको फॉरेन मनी नहीं माना जाएगा, फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा। यानी कि आज ये रफेल कंपनी, जिसको आपने 60,000 करोड़ के 36 हवाई जहाज खरीद लिए, पहले जो यूपीए सरकार में जो डील हो गई थी, करीब करीब कंप्लीट हो गई था तक, उसमें 526 करोड़ का एक हवाई जहाज आना था, 126 हवाई जहाज आए, अब आपने 36 हवाई जहाज 60,000 करोड़ के खरीद लिए, यानी कि एक हवाई जहाज 1600 करोड़ से भी ज्यादा का, 1650 करोड़ का एक हवाई जहाज, 3 गुने से भी ज्यादा, और उसमें से आपने आधा कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दे दिया, जिसकी कंपनी मतलब, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाहर कर दिया, जो कि हिंदुस्तान की पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जो कि बहुत दिनों से हवाई जहाज बनाती है, 60 साल से, उसको हटाकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी खत्म कर दिया, और ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने अनिल अंबानी को दे दिया। और अब
अनिल अंबानी ने उसके संग मिलकर एक इंडिया में कंपनी बना ली उस डेसॉल्ट के साथ मिलकर, फ्रेंच कंपनी के साथ, उसको ये पैसे मिलेंगे। अब वो कंपनी कितना भी पैसा भाजपा को दे दे, कैंडिडेट को दे दे, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाए। और पहले लिमिट था कि आपके जो प्रॉफिट्स हुए हैं पिछले 3 साल में उसका एवरेज का 7.5% से ज्यादा आप एक साल में पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकते, वो लिमिट हटा दी। कितना भी पैसा दे दो, प्रॉफिट से भी ज्यादा दे दो। तीसरा, अब एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि आप किसी बैंक से जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैश की तरह होते हैं, यानी कि उसमें कोई नाम नहीं लिखा होता कि किसने खरीदा है। 1 करोड़ का भी आप खरीद सकते हैं, आपने 1 करोड़ के 500 बॉन्ड्स खरीद लिए और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए। वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को जाकर बैंक से एनकैश करा सकती है और किसी को पता नहीं लगेगा कि किसने पैसा दिया। यानी कि रफेल कंपनी से या इस तरह की कंपनियों से कितना भी पैसा ले लीजिए, घूस ले लीजिए, और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि किसने पैसा दिया। और ये कहते हैं कि नहीं, हम तो फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने किया। जैसे अभी कह रहे थे आप, 3 दिन पहले के इनके स्टेटमेंट्स पढ़िए जब इन्होंने ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अमेंडमेंट किए, कहते हैं हमने तो रिवॉल्यूशन कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बहुत ज्यादा सुधार दिया। उसी तरह से कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल फंडिंग को बहुत सुधार दिया, जबकि पॉलिटिकल फंडिंग में इन्होंने मतलब बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अब बिल्कुल सीधा ये कर दिया है कि बस ठीक है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट लो, हमको घूस दो, और घूस ऐसे दे दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, कितना भी दे सकते हो। 20,000 करोड़ का हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 10,000 करोड़ हमको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दे दो। तो अगली बार तो मतलब अब 2019 में एक बात ये होगी कि भाजपा के पास बेइंतहा पैसा होगा, तो पैसे का कोई सीमा नहीं। किसी ने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा कितना पैसा लगेगा। कम से कम 10-20 हजार करोड़ सिर्फ भाजपा खर्च करेगी 2019 के चुनाव। तो अब सवाल ये है, ये सब कुछ हो रहा है तो, और इसको चेक करने का काम न्यायपालिका का है। लेकिन आज हम ये अगर सवाल पूछें कि भाई न्यायपालिका अपने दोनों तरह के काम में कितना सक्षम है, क्या लोगों को ठीक न्याय मिल पा रहा है, त्वरित न्याय मिल पा रहा है न्यायपालिका के द्वारा, उसका सीधा जवाब होगा कि नहीं। क्योंकि पहली बात तो आम आदमी तो प्रवेश ही नहीं कर सकता न्यायपालिका में, उसके पास वकील करने के लिए पैसे ही नहीं, बगैर वकील के, क्योंकि कोर्ट के प्रोसीजर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आम आदमी तो उसको नेगोशिएट ही नहीं कर पाता। अगर आपके खिलाफ, आप रेड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, आपके खिलाफ पुलिस ने कोई झूठा केस दायर कर दिया तो आपके पास तो अपना बचाव करने के लिए भी वकील नहीं है। आप तो बस हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं, हुजूर माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए 2/3 लोग जो आजकल जेलों में हैं वो सब अंडर ट्रायल हैं, जो अपनी बेल भी नहीं ले पाते। तो आम आदमी तो प्रवेश ही नहीं कर सकता। 80% लोग इस देश के ऐसे हैं जो न्यायपालिका में प्रवेश ही नहीं कर सकते। बाकी 20% जो प्रवेश कर सकते हैं, कोई वकील को एंगेज कर सकते हैं, वो भी देखते हैं, तारीख पर तारीख लगती रहती है। आमतौर पर तो वकील भी सब ऐसे ही होते हैं, पर अगर उसको कोई ठीक ठाक वकील मिल भी जाए तो तारीख पर तारीख लगती रहती है, सालों साल चलता है, और आखिर में फैसला हुआ भी तो कई बार गलत फैसला हो जाता है, क्योंकि जज जो है वो बेवकूफ है या कई बार जज बेईमान। तो इसलिए न्याय तो मिल,
सकता नहीं। 2% लोगों को भी शायद इस देश में इस व्यवस्था के द्वारा न्याय नहीं मिल पा रहा। अगर आप दूसरा सवाल पूछें कि किस हद तक हमारी न्यायपालिका इसमें कामयाब है कि लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोक पाए, या कार्यपालिका के अपने अपने पावर के दुरुपयोग को रोक पाए, किस हद तक न्यायपालिका कर पा रही है, उसका भी ईमानदार जवाब होगा कि बहुत कम। ये जो PIN वगैरह अखबारों में खूब आते हैं ना, जो हम लोग करते हैं थोड़े बहुत केसेस खूब अखबारों में पब्लिसाइज हो जाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि भाई न्यायपालिका ने तो बड़ा तीर मार दिया, बड़ा बढ़िया काम कर दिया। एक दो केस में तो बढ़िया काम हो जाता है, लेकिन वो तो हजारों में एक दो केस होते हैं। इस तरह के हजारों, मतलब हमारे ही इतने सारे PIN हैं जो बहुत 10-10, 15-15 साल से लंबित हैं, तो इसलिए वो भी नहीं हो पा रहा। अब उसके कई कारण हैं। देखिए, हमको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमको एक ऐसा न्यायिक व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिसमें वकील की जरूरत ना पड़े आम केसेस के लिए। जब मैं अमेरिका में था तो एक प्रोग्राम आता था, शायद अभी भी आता है, लोग बताते हैं अभी भी आता है, पीपल्स कोर्ट करके, जिसमें कि मतलब एक तरह का एक रियलिटी टीवी शो था जिसमें एक्चुअल छोटे छोटे मुकदमे बाहर कोर्ट से निकाल कर और एक रिटायर्ड जज था उसके सामने पेश होते थे और वो तय करता था और पूरा टेलीवाइज किया जाता था। तो वो दोनों साइड्स को बुलाता था, अपने के तुम लोग आ जाओ, अपने अपने विटनेसेस को ले आओ, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, पूछता था कि भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है वो बताता था, फिर उससे पूछता था कि भाई तुम्हारा क्या डिफेंस है वो बताता था, अगर उसको कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट लगता था तो पूछ लेता था उसी समय कि कोई तुम्हारे पास दस्तावेज है, कोई विटनेस है, तभी उसी समय देख दाख के उनको एग्जामिन करके और फिर वो फैसला करता था। मैंने वो प्रोग्राम करीब 20-25 बार देखा होगा, करीब 50-60 केस ऐसे देखे, एक केस करीब 20 मिनट में तय हो जाता पूरा। 50-60 केस मैंने देखे होंगे तय होते हुए और मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक जस्टिस हो गया, इसमें बिल्कुल ठीक फैसला हो गया। कोई वजह नहीं है कि इस तरह से क्यों केस नहीं निपटाए जा सकते, कम से कम नॉर्मल केसेस जो हैं। आपको क्या चाहिए? आपको एक ईमानदार और रीजनेबली होशियार जज चाहिए जिसकी कॉमन सेंस अच्छी हो। तो एक ग्राम न्यायालय का कानून बना है जिसके पीछे सोच ये थी कि न्यायालय ब्लॉक लेवल तक बनाए जाएंगे और वहाँ पर ऐसे जजों की नियुक्ति करी जाएगी जो कि बेसिकली ईमानदार हो, रीजनेबली होशियार हो, रीजनेबल इंटेलिजेंस हो और कॉमन सेंस हो। अगर ये क्वालिटीज हैं तो आप इस तरह के केसेस का निपटारा ठीक तरह से कर सकते हैं। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में जिनको आप ढूंढ के एक साल की जुडिशियल ट्रेनिंग देकर आप बना सकते हैं। लेकिन ये ग्राम न्यायालय कानून बन गया, लेकिन आपने उसको कार्यान्वित नहीं किया। बाद में उसमें CRPC, CPC वगैरह भी लिया है, उसमें यह था कि भाई इनफॉर्मल प्रोसीजर होगा। पहले जो सोच थी कि ऐसा कोई फॉर्मल CPC, इतनी मोटी किताब है CPC से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी इतनी मोटी है, ज़्यादातर तो वकीलों को भी नहीं पता होता कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके क्या प्रोविजन हैं, आम आदमी को कैसे उसका समझ में आएगा। तो इसलिए वो एक तरीका है। उसके बाद फिर सारे केसेस ग्राम न्यायालय में नहीं हो पाएंगे, थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में हो सकते हैं, वहाँ पर आप जजों की संख्या बढ़ाइए और जजों के चयन की प्रक्रिया ठीक करिए। आज जो चयन की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म सब कुछ चल रहा है, उसको ठीक करिए। एक न्यायिक आयोग बनाइए जो कि फुल टाइम यही काम करे जो जजों के चयन करने का, और उसमें आप यही क्वालिटीज ढूंढिए कि भाई उसमें रीजनेबल इंटेलिजेंस है, ईमानदार है, रीजनेबल इंटेलिजेंस है और कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस एक अनकॉमन क्वालिटी है, सब में नहीं होती, बट बेसिक कॉमन सेंस
जज में बहुत जरूरी है। और करप्शन रोकने के लिए जुडिशरी में आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाइए, वो बहुत जरूरी है। और इंडिपेंडेंस न्यायपालिका की इंश्योर करने के लिए आप पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो जजेस को दिए जाते हैं, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस खत्म करी जाती है कि आप जैसे रिटायर हुआ, अभी देखिए वो आदर्श गोयल के बारे में बवाल खड़ा हुआ है कि उन्होंने एक फैसला दे दिया, वो SC ST वाला, SC ST एक्ट वाला, और जिस दिन रिटायर हुए उनको NGT का चेयरमैन बना दिया। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जजों के कार्यपालिका के हाथ में तो कतई नहीं होने चाहिए। नहीं, खत्म ना भी हो, आप उनको यूटिलाइज भले करें, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के हाथ में होने चाहिए। वही कमीशन तय करे कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब किस जज को मिलना है, नहीं मिलना है, सरकार के हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तो ये सारे बहुत सारे रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है न्यायपालिका में, अगर न्यायपालिका को वो सब काम करने हैं जो उसका दायित्व जो दिया गया है। लेकिन ये करेगा कौन? सरकार तो करना नहीं चाहती, कोई रिफॉर्म नहीं लाना चाहती। ये सूट करता है कि अगर न्यायपालिका ध्वस्त हो जाए और आज ख़त्म हो जाए, जिस तरह से बाकी इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन को भी ख़त्म कर रहे हैं। कल हमारा केस था सुप्रीम कोर्ट में, इतने सारे वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज ऑलरेडी हैं, 4 और होने वाली हैं, लेकिन पिछले 3 साल से कोई नियुक्ति नहीं करी। तो ये लोग तो यही चाहते हैं कि न्यायपालिका ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि इनको लगता है कि भाई न्यायपालिका तो हमारे लिए बाधा है। जो जना सत्ता में होता है उसका काम, उसको थोड़ी न्यायपालिका में जाना होता है न्याय के लिए, उसके पास तो लाठी है, पावर है, सब कुछ है, वो अपना काम वैसे ही करा लेते हैं। तो इसलिए कौन करेगा ये, कौन ये रिफॉर्म्स लाएगा? इतने दिन से इतने लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, इतने बार लॉ कमीशन ये सब कह चुकी है, लेकिन कोई लाता ही नहीं। जब तक जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो जनता इस देश की, जिसको कि न्यायपालिका की ज़रूरत है न्याय के लिए भी और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी और कार्यपालिका को दायरे में रखने के लिए भी, जब तक वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक उनका कोई मूवमेंट नहीं खड़ा होता, तब तक सरकार के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं बनेगा। जब वो दबाव बनेगा तभी ये रिफॉर्म्स आ पाएंगे, और इसलिए आज की मौजूदा ज़रूरत ये है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि यंग लोग, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर यूथ है, क्योंकि ये सब काम जो है ना अब यूथ का है, क्योंकि जो यूथ है इस देश का वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस समाज के फ्यूचर के लिए में, क्योंकि आपकी तो पूरी ज़िंदगी सामने है, हम लोगों की तो 2/3 ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात, यूथ जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होती है, और यूथ में नए आइडियाज़ भी होते हैं। यूथ में इसीलिए जितनी ये स्टार्टअप कंपनीज हैं, आप देखते हैं कि सब नए नए यंग लोग खड़े करते हैं, क्योंकि नए आइडियाज जो होते हैं वो भी यूथ में होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आज का युवा पीढ़ी है वो लोग पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक इश्यूज में रुचि रखें और रुचि समझें इन इश्यूज को, और उसके बाद उसमें एंगेज करें, उसमें मूवमेंट खड़ा करें, ऑर्गेनाइज तरीके से मूवमेंट खड़ा करें, तभी जाकर ये सब सुधार हो पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।
लेकिन सारी समस्याओं का हल एक ही है और वो है कि समाज जागे, समाज में भी जो नौजवान हैं वो जागे और धर्म से, जाति से, संप्रदायों से सबसे अलग हट करके देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में सोचे समझें और आगे बढ़े तब कुछ होगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं। अभी सवाल बात नहीं, अभी अभी बात है। अब मैं आज की इस स्मृति माला का, व्याख्यान माला का जो सदारत कर रही है।